ऑडियो बहुत प्रद्युम की शक्ल देखते ही फट गया कल हमें टैटो पार्क जाना था टाइम हो रहा है 4:20 सुबह के और अभी हम अक्षत वगैरह जय वगैरह के अपार्टमेंट से आ रहे थे लिफ्ट में चढ़े ही थे कि दरवाज़ा बंद हो गया और लिफ्ट आउट ऑफ सर्विस है तो हमने पहले इसके इमरजेंसी नंबर पे कॉल करा उसने पहले तो कहा कि सर्विस आ रही है उसके बाद फॉलो अप कॉल करा तो कह रहे हैं कि अराउंड 40 मिनट्स में इंजीनियर फॉलो अप कॉल करेगा उन्हें मैं ये बात कर रहा था इतने में सैम ने उन्हें क्या इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया था ना इमरजेंसी नंबर पे कॉल करा था उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड पे से को कॉल करो तो फिर हमने फायर ब्रिगेड को कॉल करा अभी फायर ब्रिगेड आ रही है शायद से आधे घंटे में हमारे पास तब तक के लिए आधे घंटे के लिए हम लिफ्ट में बंद हैं ये हम तीसरी बार कॉल कर रहे हैं इसे और इस बार देखते हैं क्या बोलते हैं कल हमें टैटो पार्क जाना था Yeah, we contacted you twice about the Lifton Point campus. Yes, I'm right here. Have you contacted someone in Point campus yet? No, I don't have a number for anyone in Point campus, but I just have Garrett's number, the extra long call. So I rang him, so he just said he's on his way. Because it's extremely warm in here. It's so hard to breathe in here. Like, I'll ring him back now again if he wants to just let him know that Just ask them to come quickly or just inform someone at Point campus. Yeah, like I don't have internet in here, I don't have network service. So maybe just search the number on the internet and call them or whatever. I don't know what to do. देखियो, आज सो रहे हो ऊपर बैठ के भाई मैं मर तो नहीं जाऊंगा भाई बहुत ज्यादा गर्मी है मेरे को सांस नहीं आ रही सही से अरे भाई प्रद्युम है अंदर यार कौन सी लड़की के साथ कर भाई शुक्र है भाई वरुण का नंबर दिया था भाई हाँ जिंदा है बट सांस नहीं आ रही सही से मेरे को अरे कोई रिसेप्शन चले जाओ यहीं पे कर लोगे सारी बातें हमने फायर ब्रिगेड को ही बुलाया है बस एक ना पानी थोड़ा बाहर रखना मेरे को बहुत तेज गर्मी लग रही है सैम कैसा लग रहा है लिफ्ट में बंद होके बहुत गर्मी है बाकी तो ठीक है डर तो नहीं लगा हल्का फुल्का बट डर तो था अब हमने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया हाँ 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 ये खटखटा कौन रहा है यार हम फ्लोर कौन से है मेरे को इतना बता दो बस अरे भैया यहाँ पे सिग्नल विग्नल कुछ नहीं आ रहा वाईफाई सिग्नल कुछ नहीं मैंने इमरजेंसी नंबर कॉल करा हाँ मेरे को पता था फोन आप ही उठाओगे और कोई उठाएगा नहीं तो मैंने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पे आपका नंबर दे दिया हमें टाइम हो गया है तेरे फोन में चार्ज है 30 मिनट हाँ मेरे में तो है काफी ज़्यादा अराउंड 53% है अभी मेरे में 43 मिनट्स और अभी वो आ गए हैं फायर ब्रिगेड वाले आ गए हैं और 40 मिनट अटकने के बाद हमें शायद से बाहर निकाला जा रहा है wow. हम डर नहीं रहते वो तो निशांत गाने सुना रहा था हमें इसलिए ठीक थे वरना हमें डर लगता है निशांत ने जो गाने सुना दिए ना हमें लेकिन सैम ने एक स्मार्ट हरकत करी इमरजेंसी में उसने कॉल करके वरुण का नंबर दे दिया और हम सबको पता है कि खाली वरुण ही था जो जगह को मिल सकता था वेरी स्मार्ट यार मैंने लोकेटर फोन किया मेरा आईडिया था मेरा आईडिया और खुल गया खुल गया ये देखो हमें निकालने की ट्राई कर रहे हैं कोई तो आया शायद से
फायर ब्रिगेड वाले आ गए हैं, वो निकालने का ट्राई कर रहे हैं अभी, निकालने का ट्राई किया मतलब तो निकाल ही देंगे, सामने ही खड़े हैं। सामू राहत की सांस मिली क्या? चुप ट्राई कर रहे हैं भाई। अब तो निकाल देंगे, अब तो मेरे सामने, अंकल निकालो जल्दी, पानी पीना है मुझे। ये अचानक से फिर से गायब हो गए हैं और हमारे शक्ल में फिर से टेंशन थोड़ी बहुत की शक्ल देखते ही भाग उन्होंने कहा पीछे खड़े हो जाओ और उनके नीचे आने का वेट करो। सैम आपका पैदल जाएगा तू? सैम कैसा लगा लिफ्ट में अटक के? सैम के रूम तक आया था, उसकी की लेना सब उठाना है उसे, लेकिन अब मैं 6 के 6 फ्लोर पैदल जाऊंगा, लिफ्ट में अकेले तो नहीं यूज़ करूँगा ये मैंने सोच लिया है। डर भी चल नहीं लग रहा था क्योंकि सैम था तो दो लोग थे तो फिर इतना फर्क पड़ा नहीं, लेकिन अकेले होते तो भाई किसी को भी डर लगेगा।